दिस न्यूज इज प्रेजेंटेड बाय बीके हार्डवेयर स्टोर, डिडवी टिकर, हमीरपुर। सभी प्रकार के पेंट, हार्डवेयर, प्लाईवुड, टिम्बल, टाइल्स और मार्बल के लिए संपर्क करें। कोविड 19 के दौरान उत्कृष्ट सेवाओं के लिए सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन में बीते दिन डीसी सिरमौर रामकुमार गौतम ने 108 और 102 एम्बुलेंस कर्मियों को सम्मानित किया। जिला उपायुक्त सभागार में आयोजित कार्यक्रम के दौरान डीसी द्वारा 108 एम्बुलेंस और 102 एम्बुलेंस कर्मियों को कोरोना काल में बेहतरीन सेवाओं के लिए सम्मानित किया गया। मीडिया से बात करते हुए डीसी राम कुमार गौतम ने बताया कि कोरोना काल के दौरान इन एम्बुलेंस कर्मियों ने दिन रात सेवाएं दी हैं, जो बेहद सराहनीय है। उन्होंने कहा कि एम्बुलेंस कर्मियों ने कोरोना संक्रमित लोगों को विभिन्न अस्पतालों तक और वापस अस्पतालों से घर तक पहुंचाने का जो काम किया है वह काबिले तारीफ है। उन्होंने उम्मीद जताई कि यह कर्मी भविष्य में भी इस तरह से अपना काम करेंगे। कोविड में जो हमारा 108 है और 102 एम्बुलेंसी जो हैं, इन्होंने बड़ा सराहनीय कार्य किया हुआ है और काफ़ी कोविड केसेस को हॉस्पिटल पहुंचाया और हॉस्पिटल से ड्रॉप भी किया। पहले ऐसे होता था कि 108 और 102 जो है वो पिकअप व्हीकल थे, लेकिन उन्होंने कोविड 19 के केसेस जो है चैलेंजिंग टाइम को देखते हुए उन्होंने लोगों को ड्रॉप भी किया। और जिसमें जो है आपने देखा ही है कि एक हमारे फीमेल जो है तनु शर्मा है, उसको भी अप्रिशिएट, उसके कार्य को भी अप्रिशिएट किया गया। प्लस जो हमारे और पायलट्स हैं उनको भी जो है अप्रिशिएट किया गया। तो हम इन सभी का जो है धन्यवाद भी करते हैं कि इन्होंने समाज की सेवा इस चैलेंजिंग टाइम में की है, और इनको शुभकामनाएं भी देते हैं कि आने वाले समय में भी इसी तरीके से अपनी सेवा जो है समाज को देते रहें। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम रमेश शर्मा है और मैं जीवन उत्साह न्यूज़ का मुख्य संपादक हूं। पिछले 2 वर्षों में हिमाचल के अलग अलग जिलों में काम करते हुए हम इस चैनल को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर आपने हमें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आप निराश नहीं होंगे। भले आप 1 महीना इस चैनल को फॉलो करके देखिए, आपको मिलेंगे यहां जागरूकता से जुड़ी हुई वीडियो और आपके परिवार, आपके समाज से जुड़ी हुई वीडियो। सर्च कीजिए जीवन उत्साह न्यूज़ फेसबुक पे और यूट्यूब।